फारस के राजा अंतरक्षत्र का पियाऊ था। नहेम्याह ने सुना कि यरूशलेम विनाश में पड़ा था और ये कि उसके मित्र वहाँ पर परेशानी में थे। उसने उनकी सहायता के लिए परमेश्वर से कहा। परमेश्वर ने राजा अंतरक्षत्र के साथ बात करने के लिए नहेम्याह को साहस दिया। नहेम्याह ने पूछा कि क्या वो यरूशलेम जाकर उनकी दीवार बनाने में सहायता कर सकता है। अंतरक्षत्र सहमत हो गया। नहेम्याह यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। नहेम्याह यरूशलेम में घूमा। हालात जितना उसने सुना था उससे भी बुरे थे। ये एक बड़ा कार्य है, उसने उसके लोगों से कहा, पर परमेश्वर की सहायता के साथ हम इस दीवार का पुनः निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक ने परिवारों में और समूहों में पहले फाटकों का निर्माण करने के लिए कार्य किया। उन्होंने भेड़ों का फाटक, मछली फाटक, तर्राह के फाटक और अन्य फाटकों को ठीक किया। तब उन्होंने दीवारों का पुनः निर्माण करना आरंभ किया। पहले तो उनके दुश्मन हंसे, पर जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, उन दुश्मनों ने हमले की तैयारी की। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में एक तलवार के साथ कार्य किया। केवल 52 दिनों के बाद दीवार पूरी हो गई थी। इज्रा याजक ने परमेश्वर के लोगों के लिए व्यवस्था पढ़ी। उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन करने का वायदा किया और उनकी सुरक्षा करने के लिए उसकी स्तुति की।